Happy birthday to you, happy birthday to you. तुमको घर से समझा के भेजा जाता है ना कि लाल लाल से पिता ने लाया करो, थोड़ा पीले पीले केले लाया करो, केले लाओ कहूंगी तो वो सड़े पड़े काले छिट्टे वाले पहुंचा देते हो जो कि दो हम जमीन है जुड़ी ना लोग छा दाजू जमीन है जुड़ी ना लोग इसी में पले इसी में बड़े इसी में मरेंगे दो घंटे की प्रक्रिया के बाद फाइनली खुलाते हुए कित्तू देवी। तो इस केक में एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, दोनों भाई बहनों का बर्थडे एक ही दिन था। देख सकते हैं गाइस आप जुगाड़ू केक बन चुका है। काफी सारे लोगों का बर्थडे आता है अगस्त में, किस किस का बर्थडे आता है कमेंट जरूर करना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जागधले डीडीहाट से। तो थोड़ा लेट ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ आज का, क्योंकि ना सुबह से बहुत तेज बारिश हो रखी थी तो मैं घर के अंदर ही थी, तो मैंने सोचा घर के अंदर भी क्या ही ब्लॉग बनाऊं। उसके बाद शाम के वक्त अभी मौसम खुला 2:30-3 बजे के आसपास, तो मम्मी और मैं दोनों घास गए थे घास काटने के लिए, तो सुबह से बारिश से तो नहीं जा पाए और बारिश में घास भी बहुत गीली होती है और बहुत भारी भी होती है तो हम नहीं गए। तो अभी शाम के वक्त एक भारी घास काट के लाए, उसके बाद ना फिर बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह भी हो गया था तो मैंने नहा धो के ब्लॉग शूट करने का सोचा। तो अभी काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से इतना सुंदर सा नज़ारा आ रखा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो हमारे गांव में दो व्यू ना बहुत प्यारे आते हैं, एक मॉर्निंग का व्यू और एक इवनिंग का व्यू। तो मॉर्निंग के व्यू में ना मैं आपको बताती हूँ सूर्य उदय होता है जब, इतना सुंदर नज़ारा उस टाइम का होता है, चिड़ियाओं की चहक होती है और एक तरफ से सूर्य उदय होता है और एक साइड से कोहरा लगे रहता है चारों तरफ, और कभी कभी तो मॉर्निंग में बारिश भी होती है तब भी अच्छा ही आता है। और एक इवनिंग का व्यू हो गया जब सूर्यास्त होता है, तो उस टाइम पे भी ना हल्के हल्के लाल लाल बादल आते हैं और पहाड़ों में सिर्फ धूप दिखती है, उसके बाद हमारे गांव की ओर धूप चली जाती है, फिर ये हाट गांव की तरफ धूप रहती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में धूप रहती है। तो उस टाइम का व्यू ना देखने लायक होता है, इतना सुंदर मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए अभी तक ना पूरे गांव में यहां तक धूप थी और अब सिर्फ यहां ऊपर ही ऊपर बची है धूप और यहां पे हल्के हल्के से बादल दिख रहे होंगे आपको। तो आज भी बंदर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, शाम के वक्त हमारे यहाँ आ जाता है, दिन भर में उस साइड वाले घरों में रहता है वो, शाम जैसे ही होती है तो फिर वो सोचता है पता नहीं, शाम के वक्त डेली हमारे यहाँ आता है। तो मैं छत का पानी भी ऑन कर देती हूँ, बहुत दिनों से भरा नहीं है, नीचे चाहिए होता है। और बंदर भी यहाँ से देखती रहती हूँ, एक तो अखरोट का पेड़ है यहाँ पे, अखरोट की वजह से ना ज़्यादा ही आ रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ अखरोट हमारे फटके नीचे गिरने लग गए हैं, तो अब अखरोट भी फटने लग गए हैं, उनके अंदर की जो बीज है वो बाहर निकलने लग गए हैं क्योंकि वो अब उसका टाइम ओवर हो जाता है, तो टाइम से ही वो फट फुट के बाहर आने लगते हैं और बारिश में तो वो ज़्यादा ही गिर जाते हैं। तो अब धीरे धीरे पेड़ खाली होने वाला है अखरोट का, पता नहीं कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, जितने ज़मीन में पड़े हमारे आंगन की ओर पड़े उतने तो हमने उठाए और जितने खेतों में जाते हैं वहाँ कोई देखता ही नहीं है, तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो पत्तियाँ भी गिरने लग गई हैं और अखरोट के दाने भी गिरने लग गए हैं। मैं आपको आज दिखाती हूँ अपना फूलों का गार्डन। तो आज एक नया फूल खिल रखा है हमारे गार्डन में, बहुत प्यारा येलो कलर का, जो मैं अपने मायके से लेके आई थी। ये वाला तो यार बारिश की वजह से गंदा हो गया है, काफ़ी प्यारे फूल इसमें लगे थे, दो वैरायटी के लगाए थे मैंने इसमें, एक पिंक वाला जैसे एक रेड टाइप का, देखो ये रेड है और ये पिंक है, और इसमें ये वाला पिंक भी अलग पिंक है देखो, मतलब एक ही फूल में मैंने बहुत अलग अलग टाइप के पिंक लगा रखे हैं, इसमें तो यही लगा है। और जो नया फूल कह रही हूँ मैं जो अपने मायके से लेके आई थी वो ये है येलो कलर का, इसमें अब काफ़ी सारे लगेंगे जड़ से लेके। तो ये एक नया खिल रखा है हमारे गार्डन में आज, और ये तो पुराने ही है। तो अब ना शाम का खाना बनाने की तैयारी करते हैं, फिर हमें कहीं जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं सरप्राइज़ आप सभी लोगों के लिए, तो हम दोनों जा रहे हैं मिस्टर मोटू और मैं, तो घर का खाना पीना बना के फिर हम कहीं जाएंगे। मतलब खाना पीना तो क्या बनाती हूँ, सब्जी वगैरह काट देती हूँ, बाकी दाल भी देती हूँ उसे, रोटियां मम्मी बनाएंगी। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज सब्जी मैं बना रही हूँ लौकी शिमला मिर्च और आलू की, और छोटी छोटी हरी मिर्च जो छत पे लगे थे अब थोड़े ही हैं, खत्म ही हो गए हम तो छत वाली हरी मिर्च, बीज रख देना सभी कह रहे थे, पता नहीं किसकी नज़र लगी अब लगी नहीं रही उसमें। तो सब्जी डाल देते हैं टाइम से, उसके बाद देखते हैं टाइम होता है मैं स्कूटी चलाने जाऊँगी, वरना फिर जहाँ जाने वाले थे वहीं जाएंगे। तो पतिदेव भी घर पहुँच गए हैं, इनके लिए कुछ चाय पानी की व्यवस्था करते हैं और इनसे मिलाते हैं आपको। जूस ही पीजिए, कल एक बोतल जूस का मैं था लाए तो नहीं, अरे भूल गई यार पहले याद है मैं, अभी भी मंगाया था अभी भी नहीं लाए होंगे ना तुम, कल की तो छोड़ो, अभी मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है बताऊं कैसी,
जूस का एक ही गिलास है और तुम दोबारा ना मांगो वाली। क्यों? है। जैसे कोई मेहमान आता है ना घर में, थोड़ा ही जूस होता है, अगर उसने दोबारा मांग लिया तो फिर कहाँ से दूं वाला होता है। वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, खत्म ही हो गया। फिर अभी तो तुमसे मला देना बोला था मैंने, एक बोतल लाए जो नहीं, कल भी बोला आज भी बोला तुमसे, कुछ तो याद रहे ना। हो फिर आज तो हाई अलर्ट था तुम्हारा। काम आ रही हो? काम अभी तो आया है, फिर सुबह से तो बारिश ही थी। तुमको घर से समझा के भेजा जाता है ना कि लाल लाल से पिताने लाया करो, थोड़ा पीले पीले केले लाया करो। केले लाओ कहूंगी तो वो सड़े पड़े काले छिट्टे वाले पहुंचा देते हो, जो कि दो ही दिन में गल के खराब हो जाए। नहीं तो पहुंचा के जो हरे पहुंचा देंगे, वो जो एक महीने में पकेंगे। सेब लाओ कहा तो हिमाचल के सेब अम्बल 200 रुपए किलो सेब पहुंचा देंगे, वो भी हरे पड़े। लाल तो दिख रहे होंगे कहीं मार्केट में सेब, चाहे 400 का ही होता। सीजन में जी आल हुई लून में अलग से उत्पन्न करो आप धरती बड़ी। 400 का ही होता, लेकिन लाल तो लाते जो मीठे होते हैं। कोल्ड स्टोर मेरे सर में थोपते उसके बाद लास्ट में। तो यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होके अभी हम लोग चुगलियाँ कर रहे हैं। चुगलियाँ कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हो यार? कैसे है यार ये चापा हमारी नहीं हो अमा, डॉग मट वोट पड़ गई, डॉग मट वोट पड़ गई। तब से तुम डॉग लू नान जा रहे हैं मार्केट तक, क्यों जा रहे बताओ? दूध दी नहीं कहाँ जी दूध, 6 लीटर ब्याल का लगा रखा मैंने, 4 लीटर रात लगा रखा है। मेरे बराबर सेठ कुछ ही जमान में दगड़ियो दिया खर बोलन चाम रही हूँ। ये हमारे धाना खेत छन, हमारे ना आतिन जैगले छन। हाँ। छन मतलब उपार हो मेरे गोज आहा दिगो ला। हम जमीन है जुड़ी ना लोग छा दाजू, जमीन है जुड़ी ना लोग, इसी में पले इसी में बड़े इसी में मरेंगे। किसका डायलॉग? जड़ ना बोलन चाहिए दाजू अपन जड़ नहीं तो कदू बड़ी लाग रही चावा हा, कति कति घुआग लाग रहा, कति कति भांगली लाग रही। वो मतलब थोड़ा टटकिया ही ना जोश के टटकिया रखी तो हम जान नहीं रहे भैया लट्ठी ने। और कदू खूबसूरत लाग रही देखो देते माँ हाँ कस लाग रही, एक बार कमेंट जरूर कर दिया यार। अब मैं लेट हूँ बेचारा तरफ। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ हमने जाना है। हम जा रहे हैं मामा लोगों के घर। देखी तो तैन देख ले रखा तो कश्यप फुला लेता है, जानती हूँ सब। ए उछाड़ न कर, तो घंटे बेटी फुकन में से है क्या बस 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 फुटल का रहन दे फूक जा। पहली देख ले रखा जाता है तो पहली, मैं तो आ पहली बार देखूँ मेरी भाई। इनका यहाँ खाने बनने की तैयारी हो रही है। क्या बना रहे हो? स्पेशल पनीर। वाओ पनीर। और इसमें ये है छोले। कितने लोगों को इनवाइट कर रखा है? कोई नहीं है। इतना खाना किसके लिए बनाया है? अभी है पड़ोसी है, दो तीन हो जाता है। अच्छा, और आटा वाटा गूंदना है? मैं गूंद देती हूँ। लाओ सब कर दिया, थोड़ा मेले भी रख देते फिर काम पूरी बनाऊंगी। 2 घंटे की प्रक्रिया के बाद फाइनली फुलाते हुए कित्तू देवी बता का फूगा फुटोल। प्यारा लग रहा है, क्यों कह रहे थे अच्छा नहीं लग रहा करके मामी? अच्छा लग रहा ना प्राची? किसने सजाया? मैंने। इसका ही बर्थडे इसी ने सजाया है? नहीं आपने भी सजाया है? आपने भी सजाया है? हम तो देखा है। कैमरा झूठ बोल रहा है क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सजाया वो। नहीं नहीं इसने सजाया सी बात, सुबह से लगी थी गुब्बारे फुलाने में, बेचारी की हालत खराब हो गई है। नहीं नहीं जितनी अपनी हवा थी गुब्बारे में भर दी, अब ना फूलेगी। यहाँ पर हम अभी थोड़ा सज संवर रहे हैं, अपने बर्थडे में नहीं सजी थी मैं, सिर्फ भुतनी जैसी बन के केक काटा। और देखो दोस्तों के बर्थडे में सजने का बड़ा शौक है, ऐसा होता है। अपने घर में कोई फंक्शन होता है तो सजने का मन नहीं करता है, क्योंकि काम है पता ही है। अब दूसरे के घर आए तो मेहमानदारी में आएंगे, फिर सजना ही है। तो मेरे बाल बना रहे हैं, कमेंट करना कि मैं कैसे बना रही हूँ, दिखा दूँ आपको। तो अच्छी लुक इसका। ये देखो मैंने बनाए हुए हैं बाल, कमेंट करिएगा कि मतलब कैसे बने हैं, बुकिंग है तो संपर्क करिएगा। ये उतने खास नहीं बने, कंगी नहीं थी इस वजह से अच्छे से बने नहीं है, बट फिर भी मैंने बनाए हैं, कमेंट जरूर करिएगा। टाइट हो रहे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। ओके थैंक यू।
चीज में मुझे तो आपको देख के कुछ कहने ही नहीं आ रहा है, कहाँ है आपके चरण। ओ भाई साहब, दो दो पार्टी होनी चाहिए फिर आज तो यार, एक ही पार्टी क्यों दे रहे हो फिर आप हमें, दोनों बच्चे एक ही दिन हुए हैं तो नहीं है यार मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये मामी ने यहाँ पे हाथ से बना दिया है क्या ये? अरे मामी, बेटे का नाम नहीं लिखा करके आपको गुस्सा आ गया? बहुत ही अच्छा हो गया, खर्चा बचाओ अभियान देखो ना, इनका दोनों बच्चे एक ही दिन हुए हैं यार, बेटा भी बेटी भी, ये भी किस्मत ही हुई नहीं हुई फिर। आपका डिम्पल कितना प्यारा लग रहा है। अरे तुम यार कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तो अभी देख रही हूँ आपको गौर से। है प्राची, कितना खर्चा बचाओ वाला है यार, दोनों एक ही दिन हुए हो। मजा ही आ गया सच में। तो इस केक में एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, दोनों भाई बहनों का बर्थडे एक ही दिन था तो इसमें सिर्फ प्राची का नाम लिखा है, उसके दद्दा का नाम लिखा नहीं है, तो मामी ने हाथ से ही इसको सजा दिया है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ना एक अलग सी कलाकारी यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ग्लू से इसको चिपकाया जा रहा है क्योंकि मामी को बहुत गुस्सा आया है। अब देखो जब दिल में भी रेड कलर है, भगवान मामी यार क्या है यार, काला दिल क्यों नहीं होता है, मेरे पास है काला दिल। अब काला दिल बना दिया करके मामी ने पिहाई लगा दिया उसे। देखो यार वैसे हमने एक आइडिया तो अच्छा निकाला, देख सकते हैं गाइस आप, जुगाड़ू केक बन चुका है। एक बात कहूँ, बेटे का भी और बेटी का भी बर्थडे एक ही दिन है तो उसमें बेटे का नाम नहीं लिखा है, तो मामी को गुस्सा है, तो मामी ने हाथ से ही उसको चिंगोर के बना दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो गई। और टैग फिर इन्होंने टैग लगा दिया भैया का भी, देखो दोनों भाई बहनों का बर्थडे एक ही दिन है। हाँ डबल पार्टी होनी चाहिए थी फिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्राची, बोथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भुवनेश्वर एंड प्राची। हैप्पी बर्थडे को अम्मा, अम्मा हैप्पी बर्थडे को, बर्थडे 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 बर्थडे। चिंकू एंड मिंकू, या कैसा लग रहा है केक लगा के? मुंह में तो डाला नहीं, काली फेस में लगा देखो। गाइस देखो हमारे यहाँ पे अब केक वेक कट गया है, अब हम लोग बांटने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पास देखो एक मेहमान और आया है, तो बिल्ली भी आई है यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं आप, ये कितनी प्यारी सी है, सफेद आपकी तरह प्यारी सी है। गाइस कमेंट कर देना मैं कितनी प्यारी सी हूँ, ये बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरी। दोस्तों देखो आपके ब्लॉगर मतलब हम सबके ब्लॉगर मतलब इनको कुछ याद नहीं रहा है, टाइम टाइम पे ब्लॉग नहीं बना रहे, मुझे कहना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है। अब देखो ये केक ठूस रहे, देखो कितना ठूस रहे, छुपा रहे सबको, कम कम अपना ज्यादा ज्यादा लिया है, देखो ये देखो ये छुपा रहे सभी, इतना पड़ा खाओ सभी, देखो कितना छोटा है यहाँ पे, कितना थोड़ा सा बचा रखा है, और अपना देखो ये, अब देखो दोस्तों मैं दिखा दिया, ये देखो दोस्तों अपनी प्लेट दिखा मैंने अपनी प्लेट। देखो सभी देखो ये देखो हो गई, अनबॉक्सिंग हो रही है, घर तो जान देती प्राची कम से कम कुछ कहना था, तो फिर घर जाने के बाद बोलती ना, अभी सामने बोल देगी यार, सामने बोलना ठीक हुआ, फिर किसी को बोलना है, मूर्ति है क्या है, फ्रेम, फोटो फ्रेम, वाओ कितना प्यारा है यार। तो लगड़िया हम पूरी बना रहे हैं अब सभी मेहमानों के लिए, जितने लोग भी हमारे घर पे आए हैं, और ये डल्ला मेरे बहुत ही पसंद आ रखा है, कितना प्यारा लग रहा है फिर ये। ये देखो दोस्तों अब खाने की तैयारी हो गई है, सभी खाना खा रहे हैं, देखो हमारे पास डिश पनीर बनी है, फ्राई राइस बना है, छोले बने हैं, और पूरी बने हैं, और क्या बना है, कुछ भूल रही हूँ क्या मैं? नहीं है ना। तो जैसे ही खाना खाया वैसे ही बारिश शुरू हो गई, अब घर भी कैसे जाएं, हम तो मार्केट तक आए थे मामा लोगों के घर तक, अब यहाँ से घर जाना मुश्किल हो गया, अब ये लोग कह रहे हैं यहीं रहो, हमारा मन नहीं मान रहा है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10 बजने वाले हैं, देखते हैं अगर बारिश रुकी है तो घर जाएंगे, और ना फिर रहना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ऐसे में जाएंगे भी कैसे। फाइनली देखा जी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे, और जब अपने घर में पहुंचते हैं तभी आनंद आता है, तो अपना सो जाते हैं 11 बज गया, नहीं ऐसा नहीं हो जाना, अपने घर में ठीक लगता है फिर, वैसे वहाँ भी मेरा मन लग ही जाता है प्राची लोगों के साथ, पर तुम्हारी जिद थी कि घर जाते हैं तभी मैं घर आई। इसी के साथ आज का व्लॉग क्लोज करते हैं,
काफी सारे लोगों का बर्थडे आता है अगस्त में, किस किस का बर्थडे आता है कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे लोग पैदा हो रखे हैं। तो हम लोग प्राची के बर्थडे के लिए गए थे मार्केट की ओर। तो मिलते हैं कल को, बाय बाय।